वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये और हमारा एक फाइकस वेरिनस का प्लांट है। बहुत ही छोटा सा सीडलिंग मैंने इस रोग के साथ अटैच किया था। लगभग टाइम भी बहुत सारा है हुआ है, यानी 6 साल हुए होंगे। उसके फोटोग्राफ्स भी मैंने लिए थे, वीडियो तो नहीं बनाता था तब। वो मिल गए तो मैं शेयर करूँगा। तो ये बहुत ही छोटा था, उसको इस स्टोन के साथ मैंने वेट क्ले ब्रश की और उसके साथ ये लगा दिया और उसको रब कर दिया था। तब से ये प्लास्टिक अभी भी है। तो उसको बाद में मैंने इस तरह पॉट में ट्रांसफ़र किया है। तो ग्रोथ इस बार, और मैंने हमारा जो सोइल मिक्स है वो दिया पिछले साल और ये हुआ है। तो एक ही साल में इतना अच्छा ग्रोथ कर लिया है उसने, तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। दोस्तों, यहाँ बहुत ही ड्रामेटिक कर्व बना है, बहुत ही अच्छा है। तो कुछ अलग करना चाहता हूँ मैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि फाइकस में ट्रंक स्प्लिट करके क्या रिजल्ट मिलता है। इसे इंस्ट्रूमेंट का हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो आज मैं यही करने वाला हूँ। उसके साथ थोड़ा सा ट्रंक स्प्लिट किया जाए दोस्तों, बाद में देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो पहले डिफोलिएशन, तो मैं यहाँ से कुछ ट्रंक स्प्लिट करता करता आगे जाना चाहता हूँ। देखते हैं क्या होता है और कैसा ग्रोथ मिलता है मुझे। तो ट्रंक स्प्लिट यानी उसको मैं बीच में से फाड़ने वाला हूँ दोस्तों, उससे नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इससे जूनिपर वगैरह में ट्रंक स्प्लिटिंग होती है। पहले मैंने पिछले साल टामरिंड पे ट्राई किया था, मगर पूरा फैल रहा था। ये प्रोसेस और ट्राई कीजिए कि वो बीच में से ही इस तरह से हो, स्प्लिट हो। यहाँ मैं नहीं जा सकता, तो उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ। कोई नीचे से स्प्लिट करता है, मैं बीच में से स्प्लिट कर रहा हूँ। शायद फाइकस में किसी ने किया होगा या नहीं, मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा। यहाँ सेट नहीं हो रहा है, तो जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने किया है ट्रंक स्प्लिटिंग, और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कोई स्टोन बीच में रख देना चाहता हूँ इस तरह से। यहाँ थोड़ा पतला हो गया है, तो नुकसान भी हो सकता है, तो ज़्यादा सड़ना नहीं है अब हमें। और इन सब जगह पे मैं एंटी फंगस पाउडर लगा दूंगा। तो यहाँ अंदरूनी पार्ट में अगर हमें करना है तो एक ब्रश चाहिए, मगर यहाँ भी मैंने जुगाड़ निकाला है। तो इसी से
उसके साथ हम अंदरूनी पार्ट में भी एंटी फंगस पाउडर लगा देंगे तो ये सूखेगा नहीं दोस्तों, तुरंत हीलिंग होना चाहिए। अगर ये सूखता है तो डाइबैक करेगा और हमें जो ब्यूटी चाहिए इस प्लांट में वो नहीं मिल पाएगी। तो अगर कुछ ना कुछ जुगाड़ करना आ गया आप लोगों को तो ये बहुत ही आर्ट ईजी है दोस्तों। पेशेंस के साथ यहाँ मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, वो है विज़न दोस्तों। ये स्प्लिट जो हो रहा है उसको हम प्रोग्रेसिवली बढ़ा भी सकते हैं। ये कुछ नया किया है मैंने। तो दूसरी ब्रांचों को मैंने वायरिंग करके थोड़ा ट्विस्ट किया, स्प्लिट के बीच पे स्टोन रखा है, थोड़ा बहुत फैला सकते हैं हम उसको। अभी कलर कर दिया है मैंने एंटी फंगस पाउडर से और यहाँ कुछ ड्रामेटिक कर्व क्रिएट किए हैं। हो सके तो ये सक्सेसफुल रहा तो दूसरी ब्रांचों को भी स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, ये एरियल रूट ऊपर से यहाँ नीचे से ऊपर आके यहाँ नीचे आया है और ये हो ही चुका है। तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम पत्थर के साथ ले लेंगे या स्टोन के साथ, जिससे ये उसका कंपोजिशन अच्छा लगे। तो ये एरियल रूट्स को मैं ले रहा हूँ यहाँ वायर के बीच में से और उसको मैं सोइल में मर्ज कर देता हूँ। तो मिलते हैं अपडेट के साथ दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे हमारे साथ कुछ नया और एक्साइटिंग सीखने के लिए।